हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक्स बीटा हब। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम घर पे ही कैसे DIY एग्स फूड घर पे बना सकते हैं। ये फूड मैंने एग से बनाया है। आप ये देख पा रहे हो कि ये जो एग्स मैंने बॉईल करके लिए हुए हैं, और इस बॉईल एग से हम बीटा और गप्पीज के लिए घर पे ही फूड बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि जो मेरे बेबी बीटा है उनके लिए ये इस तरह से पाउडर फॉर्म में फूड बनाया। जो एग्स का एग योक रहता है येलो कलर का, उससे ये बनाया हुआ है। और ये जो दूसरा है, ये मैंने पूरे एग्स से बनाया हुआ है। ये आप एडल्ट बीटा को भी फीड करवा सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको बनाने का कैसा है। तो सबसे पहले हमें क्या करने का है कि एग्स जो बॉईल करके लिए हुए हैं उनके छिलके निकाल देने के हैं। मैं अब इनके छिलके निकाल के आपको दिखाता हूँ आगे। क्योंकि सारे एग्स के छिलके निकाल लिए हैं, और अभी आप क्या करने का, अभी जो एग योक है इसमें का जो येलो कलर का पार्ट है एग्स में का, इसे हम क्या करेंगे, ये मैंने टी नेट ली है, इसमें हल्के से ऊपर से प्रेस करेंगे। जैसे हम इसको प्रेस करते जाएंगे ऊपर से, ये जो एग योक है इसका पाउडर नीचे गिरते जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा एग योक का पाउडर नीचे गिरा है। तो ये जो फूड है इसमें एक बेबी बीटा के लिए और गप्पीज के लिए अच्छा फूड। तो हमारे घर में ये इस तरह से मिलता है। ये इस तरह से हम इसे कुछ भी पोटैटो चिप्स वगैरह बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ये जो एग्स लेंगे इसमें से छोटे मोटे साइज के हिसाब से होल रहते हैं, उसमें हमें इसे क्रश करने का है। इस तरह से हल्के हाथ से हम इस पे से ऊपर से ऐसे घुमा दिए तो इसका पूरा एक क्रश हो जाएगा और नीचे गिरने लगेगा। हल्के हाथ से करने का, नहीं तो इस तरह से एग से सब फूट जाते हैं। ज़्यादा प्रेशर दिया उसकी वजह से वो फूट गया है। इस तरह से क्या करने का, अभी आप ये देख सकते हैं कि वाइट कलर का जो एग का पार्ट है ये भी क्रश होके बड़े साइज में कट हुआ है, और ये छोटे साइज में कट हुआ है। ये जो छोटा साइज का है हम ये बेबीज को खिला सकते हैं, और बड़े साइज का क्रश करा हुआ हम बड़े फिश को खिला सकते हैं। बाद में हमें क्या करने का कि इसे धूप में रखने का, और धूप में सूखने के बाद फिर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने ये पूरे बॉईल किए हुए एग्स अच्छे से क्रश करके लिए है, और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी आपको ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जैसे हम इसको धूप में सुखाने के लिए रख देंगे बाद में ये बहुत कम हो जाएगा। तो चले हम आपको दिखाते हैं कि इसको हम धूप में किस तरह से सुखाने के लिए रखेंगे। तो अब हम मेरे घर के टेरेस पर आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे इसको सुखाने के लिए रख दूँगा। तो मैंने पहले यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ के इस तरह से सर्कल बनाया है, क्योंकि क्या है कि टेरेस पे यहाँ पे जो चींटियाँ रहती है ये चींटियाँ को बहुत पसंद है। तो ये सर्कल किया है, उससे क्या होगा कि चींटियाँ इसमें नहीं जाएंगी और ये फूड भी सेफ रहेगा। और इसके बाद हमें क्या करने का है कि ये अपने घर पर अभी ये अपने गेहूँ वगैरह ये छानने के लिए छाननी रहती है, इसको ऊपर से ढक के रखने का। उससे क्या होगा कि ऊपर से जो मेरे यहाँ पे किसी गिलहरी बहुत ज़्यादा है, अगर मैंने इसे ऐसे ओपन छोड़ दिया तो गिलहरी इसे खा लेगी। इससे इसे ढक के रखने का, मैंने इसको ढक के रखा है, और उसके ऊपर साइड से ये दो एक फर्श लगाए ताकि गिलहरी इसको मुँह ना करे। और बाद में क्या करने का कि 1-8 घंटे में पूरा सूख जाएगा और इसका पाउडर बन जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे फिट करने का है। तो फ्रेंड्स, अभी अपना ये DIY एग्स बॉयल एग का फूड बनकर रेडी है, और ये किस तरह से फिट करने का मैं अब आपको बताऊंगा। ये जो है जिसमें मैंने एग वाइट भी लिया है और येलो का भी पार्ट दोनों क्रश करके इसको सुखाया है, और ये जो है इसमें सिर्फ येलो पार्ट लिया है, और ये जो येलो पार्ट है ये सिर्फ बीटा बेबीज के लिए है। आप इसको गप्पीज और बीटा बेबीज को फीड करवा सकते हो। और इसको मैंने ये नमकदानी में डाला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से पाउडर फॉर्म में है। ये बीटा बेबीज वगैरह ये आराम से उसे खा जाते हैं। तो मैं आपको ये खिला के दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास कुछ बीटा फीमेल्स और गप्पीज है, तो उनको किस तरह से मैं खिलाता हूँ वो दिखाते हैं। ये मैंने बाहर गप्पी का और बीटा फीमेल्स के लिए पॉन्ड बनाया है। ये मेरा DIY पॉन्ड है। ये
अच्छा आप देख सकते हैं कि इसमें सारे ब्रीडर गप्पीज है। इसमें मैंने कुछ प्लांट्स भी डाले हुए हैं, वाटर लीचर, तो इसको हम थोड़ा डालते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही डाला सारे गप्पीज आ गए खाने के लिए, यहाँ पे आ चुके हैं। और इसमें का कुछ फीमेल बीटा के लिए डालेंगे। ये देखो, ये बड़ा होने की वजह से फीमेल बीटा आराम से इसे खा जाते हैं। देखो किस तरह से फीमेल से एक एक पकड़ के लेके जा रही है इनको। उनके बीच में झगड़े भी हो रहे फूड के लिए, क्योंकि वो फूड पैलेट्स साइज में बड़े हैं और कम लग रहे थोड़े। और जो छोटा साइज का है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है, मैं सेपरेट किए हुए बीटा को फीड करवाता हूँ। यहाँ पे मेरे हाफ मून क्राउन टेल के बेबीज है। आप देख सकते हैं कि ये नमकदानी यूज करने का बेनिफिट ये है कि इस पे ऊपर से होल है। बस हमें क्या करने का है कि इनको ऊपर से इस तरह से थोड़ा सा हल्के हाथ से थोड़ा झटका मारा कि थोड़ा सा एक बीटा के लिए जितना सफिशिएंट फूड है उतना इसमें आ जाता है इस तरह से। और अपना टाइम भी बचता है सबको खिलाने के लिए। आप ये देख सकते हैं कि ये खा रहे हैं। और ये बॉइल्ड एग होने की वजह से कैसा जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो उसमें भी है। और ये सब्स्टिट्यूट भी फूड है, मतलब अगर आपके पास पैलेट्स नहीं होंगे या फिर बाकी का फ्रोजन फूड लाइव फूड अवेलेबल नहीं होगा तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज ए अल्टरनेट वन टाइम फूड बोल के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इसका प्रॉब्लम ये है कि ये वाटर स्मेल करता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जो सेपरेट करे हुए बीटा है इस तरह से सिर्फ उनको ही ये फीड करवाए। तो क्या होगा कि मतलब उतना, और क्या करने का कि इसको दिन में दो तीन बार फीड करवाने का, चार बार फीड किया तो भी चलेगा। उससे क्या होगा कि सफिशिएंट थोड़ा थोड़ा फीड ज़्यादा टाइम देने का, तो अनईटेड फूड भी नीचे नहीं रहेगा। अगर अनईटेड फूड होगा तो उसमें से पानी क्लाउडी बनेगा और स्मेल मारेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा हाउ टू मेक एग वाइट का बॉयल एग DIY फूड का वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे YouTube चैनल मैक्स बीटा हब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ फ्रेंड, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपको